हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो जैसा हम लास्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड ऑर्बिटल का मैंने कुछ आपको प्रॉपर्टी बताया था, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताया था, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, लिख देता हूँ बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर प्रॉपर्टी में पहला नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही आपके क्या बनेंगे बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि किसमें बच्चों, आपको पहला कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है बच्चों, वो आपका क्या होता है बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सिमिलर शेप एंड एनर्जी। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल का आपका क्या होता है बच्चों, शेप और एनर्जी दोनों सिमिलर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूं। शेप के रिगार्डिंग अगर मैं बात करना चाहूंगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का मैंने आपको बताया था, एक s ऑर्बिटल अगर आपका पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और 1p ऑर्बिटल अगर आपका पार्टिसिपेट करेगा तो आपका कितना बनेगा बच्चों, यहां पर आप लोग समझ सकते हो, यहां पर मैंने बनाया था 2sp ऑर्बिटल बनाया था। बात क्लियर है। अब 2sp ऑर्बिटल कैसे बनेगा बच्चों, इसका एक लोब बड़ा होगा और एक लोब क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। मतलब इस तरीके से 2sp ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों का शेप और एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर सिमिलर, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। ये 2sp ऑर्बिटल इसी तरीके से 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स आपके मिलेंगे। मैंने आपको बता रखा है, डायग्राम बनाया था मैंने, तो 3sp3 ऑर्बिटल 3sp2 ऑर्बिटल, सॉरी यहां पर क्या जाएगा, 3sp2 ऑर्बिटल बनेगा। बात क्लियर है। इसी तरीके से 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो 4sp3 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था, जितने भी यहां पर 2sp ऑर्बिटल है इन दोनों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम होगी। यहां पर जितने भी sp3 ऑर्बिटल होंगे इसके भी आपके 3sp3 ऑर्बिटल इस तरीके से बन जाएंगे, 3sp2 ऑर्बिटल, इन सबका शेप भी सेम है, एनर्जी भी सेम है। इसी तरीके से ये 4sp3 ऑर्बिटल इनका भी शेप सेम है और एनर्जी सेम है, इनका भी शेप भी सेम है, शेप भी सेम होगा और एनर्जी भी सेम होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका यहां पर ऑर्बिटल बनेंगे। बात क्लियर है, शेप एंड एनर्जी बोथ आर सिमिलर, बस इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब शेप के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें एक लोब छोटा होता है और एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है और एक लोब क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। बात क्लियर है। तो यहां पर तो मैंने आपको शेप के बारे में बता दिया, शेप और एनर्जी दोनों सिमिलर होती है, ठीक है। अब नाउ मैं आपको बताता हूं बच्चों, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैं आपको बता रहा था, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अब देखो यहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है हैव अ डिफरेंट ओरिएंटेशन। अब देखो मैं आपको बताता हूं यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव अ डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, मतलब अपने स्पेस में अलग अलग ओरिएंटेशन रखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, ठीक है, स्पेस में आपके अलग अलग ओरिएंटेशन रखते हैं, ठीक है। अब हमेशा ध्यान देना ऑलवेज हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच कौन सा आपका ओवरलैपिंग होगा बच्चों,
वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है। तो जैसे मैं अगर आपको बताऊं, देखो यहां पर इन स्पेस हाइब्रिड ऑर्बिटल आर, अब देखो किस तरीके से, अगर मेरे पास दो एसपी ऑर्बिटल है, ठीक है, दो एसपी ऑर्बिटल है, तो देखो ये मेरा एक एसपी ऑर्बिटल, ये मेरा दूसरा एसपी ऑर्बिटल, ये इस तरीके से ओवरलैप होंगे और यहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एसपी एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से अगर एसपी टू की बात करूंगा तो एसपी टू के केस में इस तरीके से आपका बन जाएगा, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ठीक है, ये इसके इसी का लोब है, ठीक है, छोटा वाला लोब है, तो इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं एसपी थ्री की बात करूंगा तो एसपी थ्री में ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है, यहां पर ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है, इस तरीके से लोब आपका और ओरिएंटेड आपका हो जाएगा। और इसका जो एंगल होगा, एंगल 109 डिग्री 5 मिनट, यहां पर 28 मिनट सॉरी, यहां पर एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और यहां पर जो एंगल हो जाएगा ओवरलैपिंग में, यहां पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल से जितनी भी ओवरलैपिंग होगी वो सारे सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करेगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होगा बच्चों, यहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब इस बात को मैं आपको ध्यान से और भी अच्छे से समझाऊंगा बच्चों, इसकी वजह से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा वो मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन इसका ओरिएंटेशन समझ लो। ये हुआ एसपी, ये हो गया एसपी टू, ये हो गया एसपी थ्री, ठीक है बच्चों, एंगल इतना हो गया। अब एंगल निकालने का एक और तरीका है, कोस थीटा इक्वल टू माइनस वन अपॉन पी। पी का मतलब क्या है बच्चों, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब आपका होता है कि नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स। अब देखो पी ऑर्बिटल्स का नंबर निकालो, अगर मैंने पी ऑर्बिटल एक रखा तो यहां पर वन आ जाएगा, कोस माइनस वन कितना होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं यहां पर पी दो रखूंगा तो कोस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू थ्री रखो, थ्री रखोगे तो आपका कोस थीटा, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। इस तरीके से भी निकालते हैं बच्चों कहीं कहीं बुकों में, तो आप लोग इसी तरीके को समझो या फिर किसकी कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर निकाल सकते हैं, काफी इजी कंसेप्ट है। नाउ अब हम समझते हैं एक और चीज, यहां पर एक और सिंपल चीज कि जैसे जैसे आपका एक काम करो, आगे मैं आपको sp3 और sp2 में रिलेटिव ही बताऊंगा, लेकिन अभी इतना ध्यान रख लो, बस इतना काम आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो एक एक करके हम है ना नए नए हाइब्रिडाइजेशन को खोलते हैं, तब आपको और समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूं यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं बात करूं BEF2 मॉलिक्यूल, एग्जांपल समझना BEF2 मॉलिक्यूल, ठीक है, BEF2 मॉलिक्यूल। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम चूज कर लो बेटा। तो सेंट्रल एटम मैंने चूज कर लिया क्या, BE आपका अगर सेंट्रल एटम है तो यहां पर ध्यान से समझना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 1s2 2s2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ दिस एटम। अब कितने फ्लोरीन है, दो फ्लोरीन है, ठीक है, दो फ्लोरीन होगा तो उतने आपके अनपेयर करने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊंगा, देखो ये हो गया आपका 2s2 और ये हो गया आपका 2p, 2p में अभी फिलहाल ग्राउंड स्टेट में, देखो BE के ग्राउंड स्टेट में अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ग्राउंड स्टेट में अभी p ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आ गया 2s2 2p0। अगर मैं BE को एक्साइटेड स्टेट में लेके चला जाऊं, कौन से एक्साइटेड स्टेट में, अगर मैंने इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके गया तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग समझ सकते हो,
एक्साइटेड स्टेट में लेके गया तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एटोम हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होता है बच्चों कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका जंप करके हायर एटॉमिक ऑर्बिटल में चला जाएगा। ध्यान से समझना, हायर एटॉमिक ऑर्बिटल में चला जाएगा, देखो चला गया, ठीक है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट का 1s2, 2s1, 2p1। ध्यान से समझ लेना बच्चों, ये भी मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा कि कितने फ्लोरिन है, दो फ्लोरिन आपका इसके साथ अटैच हो जाएगा। बात क्लियर है, फ्लोरिन का इलेक्ट्रॉन कहां पर है आप लोग देख सकते हो। फ्लोरिन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगा 1s2, 2s2, 2p5, तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कहां प्रेजेंट है, फ्लोरीन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। वो फ्लोरीन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है बच्चों, पी ऑर्बिटल में। बात क्लियर है, अब क्या होगा ध्यान से समझना, ये जो दो ऑर्बिटल है वो आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिड करेंगे। बात को ध्यान से समझना, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। देखो s एक s बना दिया और यहां पर कितने p है, एक p है, तो एक p बना दिया, दोनों हाइब्रिड होंगे तो एक s और एक p, तो क्या बनाएंगे, दो sp ऑर्बिटल। मैंने आपको बताया था नंबर सेम रहते हैं तो दो sp ऑर्बिटल बनाए। अब इस sp ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसे होगा बच्चों, कुछ इस तरीके से आप लोगों को बताया गया बच्चों, इस sp ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन मैंने इस तरीके से कर दिया। बात क्लियर है बच्चों, बात क्लियर है, सिंपल है, इस sp ऑर्बिटल का मैंने ओरिएंटेशन इस तरीके से कर दिया, ठीक है, काफी इजी, अगर आप एक दो बार करना चाहोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। sp ऑर्बिटल का मैंने ओरिएंटेशन बना दिया, देखो यहां बना देता हूं बच्चों, ठीक है, ये मैंने बना दिया sp ऑर्बिटल आपका हो गया। अब देखो यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, मैं आपको बताऊंगा क्या होगा, ठीक है। ff, अब f का कौन सा, p में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसका मतलब ये जो हाइब्रिड और ऑर्बिटल है, यहां पर फिलहाल एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर फिलहाल एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में भी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो आपके चेंज थोड़ी ना होंगे, तो यहां पर भी आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, आप लोग निकाल सकते हो, तो देखेंगे कि फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा ओवरलैप में, पी ऑर्बिटल। देखो फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर गया, यहां पर अब पेयर हो गया। अब यहां से जो बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, सिग्मा बॉन्ड। यहां से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आई, थोड़ा सा ध्यान से समझो, सबसे पहले इसको मैं ग्राउंड स्टेट में, फिर एक्साइटेड स्टेट में लिखा, फिर मैंने इस तरीके से लिखा, ठीक है। ये ऑर्बिटल बनाने का सिंपल तरीका है, ठीक है, एक दो बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो F का जो आपका लास्ट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन जहां होगा वही आपका ऑर्बिटल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एसपी हाइब्रिडाइज, और ये आपका BeF2 का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, BeF2 का हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। बात क्लियर है। अब बात करता हूं मैं इसके एनर्जी की, तो एनर्जी क्या होगी बच्चों, अब समझना एनर्जी क्या होगी। शुरुआत में दो ऑर्बिटल है s और p, अब s और p में से किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, शुरुआत में दो ऑर्बिटल है ना s और p, तो s और p में से किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, p की एनर्जी ज्यादा होगी। कौन सा p है बच्चों, 2p है, और यहां पर कौन सा है बच्चों, 2s है, इसकी एनर्जी ऐसे है, ठीक है। बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, यहां पर दो आपके ऑर्बिटल बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, एक आपका बनेगा sp और एक आपका बनेगा sp। देखो यहां पर बिफोर हाइब्रिडाइजेशन एक 2p एक 2s, ठीक है, एक यहां पर, दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, सिमिलर, जैसा मैंने डेफिनेशन में बताया था, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल हाइब्रिड टू ईच अदर एंड फॉर्म सिमिलर एनर्जी एंड सिमिलर शेप और ऑर्बिटल, तो दोनों की एनर्जी मैंने क्या कर दी है, सिमिलर कर दी है। अब बात को ध्यान से समझना बच्चों, इसमें एनर्जी का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके, एनर्जी का कंसेप्ट समझना, तो एनर्जी के कंसेप्ट से ही मैं आपको समझा दूंगा पूरा। अब यहां पर मैं एनर्जी का कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझना थोड़ा सा।
अब देखो एनर्जी, अगर मैं एसपी ऑर्बिटल की एनर्जी निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा बच्चों? देखो मैं क्या बोल सकता हूं, बिफोर और आफ्टर एनर्जी सेम है, तो मैं बोल सकता हूं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल 2p प्लस एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल 2s इक्वल टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एसपी प्लस एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एसपी। ठीक है, साई फंक्शन आप जानते हो, दोनों को दोनों का एडिशन आपका हो जाएगा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एसपी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल 2p प्लस एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल 2s अब डिवाइड बाय 2। अब मैं निकालना चाहूं कि अगर एसपी की एनर्जी कितनी होगी, एसपी ऑर्बिटल मतलब इस एसपी ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होगी, वो आपकी कुछ क्या होगी बच्चों, इस तरीके से होगी। ठीक है, दोनों के एवरेज का, दोनों का एवरेज होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके इस एसपी ऑर्बिटल की एनर्जी हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, एंगल बता दिया, ओरिएंटेशन बता दिया, अब यहां तक आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों यहां पर एक एक करके एक एक टर्म को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो आपको एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, एक दो बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिफोर एनर्जी और आफ्टर एनर्जी आपको इक्वल करना है। ठीक है, एनर्जी विल बी कॉन्स्टेंट, एनर्जी विल बी कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के दौरान आपका एनर्जी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट, एक और क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल की। जैसे मैंने ले लिया, देखो बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं CHCH, ये ले लिया, देखो काफी बड़ा एग्जाम्पल है। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है सर, हमको तो आपने सिग्मा बॉन्ड बनाना बताया था, अब ट्रिपल बॉन्ड की कैसे बनाएंगे? अब समझना, सबसे पहले कार्बन, कार्बन यहां पर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे तो कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच है और कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब कार्बन में 1s2, 2s2, ठीक है, 2p2 ये होता है। अब इसका मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को मैंने भर दिया, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में मैंने किसको भर दिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन को मैंने भर दिया। देखो इस तरीके से, बात क्लियर है, बात क्लियर है बच्चों, काफी इजी है। ठीक है, अब यहां पर समझना, अब यहां पर ध्यान से समझना, एक कार्बन से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन से जुड़ा है। ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन से जुड़ा है। ठीक है, तो अभी मैं, ये हमारा कौन सा स्टेट है बच्चों, ग्राउंड स्टेट है। कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊंगा तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बच्चों, बात को ध्यान से समझना, ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p3 यहां पर हो जाएगा 2s1, सॉरी। तो ये तो मैंने आपको बताया था, काफी इजी है। अब देखो ये मैंने ले गया एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, तो ये मैं एक्साइटेड स्टेट में लेके चला गया, काफी इजी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कि कार्बन का एक कार्बन से अटैच होगा, एक हाइड्रोजन से अटैच होगा, तो यहां पर ये कार्बन वन, ये कार्बन टू, तो मैं कार्बन वन की बात कर रहा हूं। ठीक है, कार्बन वन का एक कार्बन आपका हाइड्रोजन से अटैच होगा और एक कार्बन से। ठीक है, अब कार्बन के पास आपका कौन सा, अब देखो इस कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन टू की। ठीक है, कार्बन टू की अगर मैं बात करूंगा तो कार्बन टू भी आपका सिमिलर होगा किसकी तरह, कार्बन सिमिलर टू कार्बन वन के शेप की तरह। अब यहां पर भी तो आपका हाइब्रिडाइजेशन है, अब इसको चेक करेंगे तो यहां पर भी एक आपका हाइड्रोजन से अटैच है, एक आपका किससे अटैच है बेटा, कार्बन से। तो अगर मैं बात करूं इसके कार्बन दो की, दूसरे नंबर कार्बन की बात कर रहा हूं, इसका मैं एक्साइटेड स्टेट सीधा लिख रहा हूं बच्चों। थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी स्टार्ट में, फिर धीरे धीरे आपको समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भी। देखो अब इसमें भी क्या होगा, ये वाला कार्बन भी एक हाइड्रोजन से अटैच है और एक किससे अटैच है, एक कार्बन से। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन भी एक कार्बन से अटैच है, एक हाइड्रोजन से अटैच है और एक कार्बन से, मतलब कौन सा वाला, C1 वाले से। तो यहां पर कितने एटॉमिक और ऑर्बिटल, मतलब इसका आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो जो आपके बॉन्डिंग में है उसी का आप हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और लोन पेयर भी आपका हाइब्रिड होता है, लोन पेयर का भी आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अभी फिलहाल इन दोनों का हाइब्रिड होगा। अब देखो यहां पर ये एक एस और एक पी, तो क्या बनाएंगे बच्चों, एक एस और एक पी मिलकर
क्या बनाएंगे, 2 sp ऑर्बिटल, और यहां पर भी एक s और एक p मिलके क्या बनाएंगे, 2 sp ऑर्बिटल। ठीक है, अब sp ऑर्बिटल का शेप आप जानते हो। सबसे पहले मैं कार्बन 1 के लिए बनाता हूं, कार्बन 1 इसके लिए। देखो अब कार्बन 1 के लिए मैंने बनाया, देखो ध्यान से समझना, कार्बन 1 के लिए मैं बना देता हूं, ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब कार्बन 2 के लिए मैं बना देता हूं, ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसका हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है बच्चों, एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो यह हो जाएगा बच्चों आपका एस ऑर्बिटल, मतलब इस तरीके से। अभी तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना जो कि आपका हाइड्रोजन से पार्टिसिपेट किया, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर भी ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया C1, ये हो गया C2। अब आप समझ सकते हो C1 का हाइब्रिड ऑर्बिटल और C2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप किए सिंगल सिंगल, मतलब यह है C1 सिंगल बॉन्ड से और C2 सिंगल बॉन्ड से, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये दोनों भी पार्टिसिपेट किए। अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग या हाइब्रिड और एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हमेशा यहां पर क्या बनेगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड, यहां पर क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड, यहां पर क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड। बात क्लियर है, बस थोड़ा सा इसको समझ लो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये दो ऑर्बिटल कहां गए। ठीक है, ये दो ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए। जब इन दोनों ऑर्बिटल ने आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसको क्या बोलेंगे, प्योर पी ऑर्बिटल। दोनों के पास क्या होंगे बच्चों, एक एक प्योर पी ऑर्बिटल, क्या होंगे प्योर पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब दोनों के पास प्योर पी ऑर्बिटल्स होंगे, बात क्लियर है। अब प्योर पी ऑर्बिटल्स में कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से, एक ऑर्बिटल आपका परपेंडिकुलर होगा बच्चों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। देखो ये मैंने मान लिया कि ये मेरा पीएक्स पार्टिसिपेट किया, तो ये मेरा पीवाई और ये मेरा पीजेड, तो ये आपका हो जाएगा पीवाई और ये हो जाएगा आपका पीजेड। और यहां पर भी आपका क्या होगा, सिमिलरली यहां पर भी आपका इस पीवाई को मैं ब्लैक मार्कर से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये प्योर पी ऑर्बिटल है ना, तो इसलिए इसका शेप और एनर्जी चेंज नहीं होगा। ठीक है, शेप और एनर्जी चेंज नहीं होगा, जब ये प्योर पी ऑर्बिटल है तो इसका शेप और एनर्जी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहां पर भी आपका क्या होगा बच्चों, एक यहां पर भी आपका एक पीवाई खाली है और एक पीजेड खाली है, पीजेड आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये अपना शेप और एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, तो यहां पर भी ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। और एक आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया पीजेड ऑर्बिटल, पीजेड ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका बन जाएगा पीवाई ऑर्बिटल, बात क्लियर है। अब आप देख सकते हो कि यहां पर पीजेड में एक इलेक्ट्रॉन, पीजेड में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों, देख सकते हो यहां पर। ठीक है, यहां पर पीवाई में भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था जब आपका पैरेलल होता है तो ओवरलैपिंग होगा, तो मतलब ये पीजेड पीजेड के साथ आपका क्या कट जाएगा बच्चों, ओवरलैपिंग कट जाएगा, और ये आपका पीवाई पीवाई के साथ क्या कट जाएगा बच्चों, ओवरलैपिंग कट जाएगा। अब ये अगर आपका लेटरल ओवरलैपिंग करेगा तो यहां पर आपका क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, यहां पर आपका क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि यहां पर ओवरलैपिंग समझो, हाइड्रोजन के साथ कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हाइड्रोजन के साथ, देखो ये आपका हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग की बात कर रहे, तो हाइड्रोजन के साथ कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ आप देखो यहां पर एसपी ऑर्बिटल हाइड्रोजन के एस के साथ कर रहा है ऑर्बिटल, यहां पर भी एसपी ऑर्बिटल हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ कर रहा है, और यहां पर इस तरीके से देखो ये एसपी एसपी का ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, एसपी और एस ऑर्बिटल का ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, एसपी और एस ऑर्बिटल का ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड, और यहां पर दो आपके पाई बॉन्ड बने, दो आपके क्या बने, पाई बॉन्ड। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, दोनों ऊपर नीचे क्या बनेंगे बच्चों, पाई बॉन्ड, बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब ये पाई बॉन्ड आपके किससे बने, पीजेड, ये पी ओवरलैपिंग से बने, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पी पाई, और ये किससे बना आपका,
ये भी आपका पी से बना, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पी पाई पी पाई। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पी पाई पी पाई। कौन कौन से ऑर्बिटल आपके ओवरलैप होंगे वही आपका हो जाएगा। तो ये आपका पी पाई पी पाई, ये भी आपका थोड़ा बहुत पी पाई पी पाई, मतलब इस तरीके से आपका एनर्जी बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ऑर्बिटल बनाओगे। शुरुआत में आपको ये वाला थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि इसमें दो एटम है, एक एटम का निकालो, दूसरा एटम का इसी की तरीके से करो और ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिलीन। कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, एसिटिलीन। थोड़ा सा ध्यान रखना कॉमन नेम, कॉमन नेम इसका क्या होगा बच्चों, आपका एसिटिलीन। काफी इजी क्वेश्चन है, अगर एक दो बार आप लोग करना चाहोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आपका एसपी ऑर्बिटल, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, आप लोग अब समझ गए होंगे, कोशिश करो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। नाउ अब मैं आपको बात करता हूं बच्चों, यहां पर sp2। ठीक है, sp2 ऑर्बिटल में मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो यहां पर sp2 ऑर्बिटल में bf3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओनली सिग्मा बॉन्ड आपके काउंटेड होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, एग्जांपल नंबर 1 bf3, सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप लोग है ना, सेंट्रल एटम बोरोन, बोरोन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लोग जानते हो बच्चों, बताने की कोई अब जरूरत नहीं है। 1s2 2s2 2p1, आई होप सो कि आपको आ गया होगा। देन अब देखो यहां पर जब मेरे पास है, यहां पर कितने फ्लोरीन है, यहां पर मेरे पास कितने फ्लोरीन है, यहां पर आप लोग देख सकते हो 3 फ्लोरीन है, तो मुझे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहां पर कितने, 1 है, इसीलिए मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में डालूंगा। अब देखो इसको मैंने एक्साइटेड स्टेट में किया, इसको मैंने एक्साइटेड स्टेट में डाल दिया। अब जब मैंने इसको एक्साइटेड स्टेट में डाल दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 2p2। अब देखो एक्साइटेड स्टेट में मैंने किया, देखो एक्साइटेड स्टेट में मैंने जब इसको ट्रांसफर किया तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन का जो लास्ट अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। अब आपको ऑक्सीजन वाला भी बताऊंगा बच्चों धीरे धीरे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। तो ये इसका एक फ्लोरीन का एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन और इसका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, देखो फ्लोरीन का एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैंने ये बोल दिया, चलो ठीक है, फ्लोरीन का एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। अब क्या होगा, सबसे पहले जो ये हाइब्रिड हुए ऑर्बिटल इन सब का ओवरलैप होगा, जो ये ऑर्बिटल है इन सब का क्या होगा, आपस में ओवरलैपिंग होगा सबसे पहले। ठीक है, फ्लोरीन बाद में रहेगा, पहले ओवरलैप होगा। अब कितने ऑर्बिटल है, 1s और 2p ऑर्बिटल है, बात क्लियर है। अब ये दोनों ओवरलैपिंग होके क्या बनाएंगे, 3sp2 ऑर्बिटल, क्या बनाएंगे, 3sp2 ऑर्बिटल। अब 3sp2 ऑर्बिटल का मैंने एनर्जी और शेप के बारे में मैंने आपको लिखा दिया था, देखो यहां पर 3sp2 ऑर्बिटल हम कैसे बनाएंगे मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था, देखो ये मैंने बना दिया 3sp2 ऑर्बिटल, सबके बीच में एंगल कितना होगा बच्चों, 120 डिग्री का, ये तो मैंने अभी बताया था। स्पेस में इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। अब इसमें ये सब ओवरलैपिंग हुआ तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा। अब ये किसके साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ क्या कर जाएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। जब ये इसके साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग कर जाएगा तो आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा, आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा, और यहां पर भी आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करने की वजह से फ्लोरीन का एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये और यहां पर ये। अब आप देख सकते हो जहां जहां ओवरलैपिंग हुई है वहां वहां आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, वहां वहां आपका क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और ये किसका स्ट्रक्चर है, सेंट्रल एटम बोरोन का हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपका इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, आपका ऑर्बिटल्स का होता है, बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब अगर मैं बोलना चाहूं तो यहां पर क्या हो जाएगा,
इसका स्ट्रक्चर हम सिंपल ऐसे बना देते हैं, और कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों, 3 सिग्मा बॉन्ड। देखो ये बोरोन का एक, यहां पर फ्लोरिन एटम से, यहां पर भी फ्लोरिन एटम से, यहां पर भी फ्लोरिन एटम से, बात क्लियर है। इस तरीके से हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अगर मैं बात करूं यहां पर एनर्जी की, तो एनर्जी ऑफ हाइब्रिड और ऑर्बिटल तो कैसे लिखेंगे बच्चों, एक एस और दोनों पी की एनर्जी आपकी सेम है, ठीक है, दोनों पी की एनर्जी सेम है। अब आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 आपके sp ऑर्बिटल बनेंगे, ये आपका sp2, ये आपका sp2, ये आपका sp2, यहां पर आपका क्या बनेगा s, यहां पर p ऑर्बिटल, यहां पर p ऑर्बिटल, यहां पर s ऑर्बिटल, बात क्लियर है, बात क्लियर है बच्चों, काफी इजी है। अगर मैं एनर्जी के टर्म में इसको लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों, यहां पर बात को समझना, साई एनर्जी ऑफ साई 2s ऑर्बिटल प्लस एनर्जी ऑफ साई, इन दोनों की एनर्जी सेम है, तो यहां पर मैं 2 से पहले लिख देता हूं 2p ऑर्बिटल, ठीक है, दो एनर्जी का आएगा, और यहां पर कितने हैं 3 sp3 ऑर्बिटल, 3 साई sp2 ऑर्बिटल। अब यहां पर एनर्जी ऑफ sp2 ऑर्बिटल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल प्लस 2 साई एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल डिवाइड बाय 3। दिस इज द एनर्जी ऑफ sp ऑर्बिटल, दिस इज द एनर्जी ऑफ sp ऑर्बिटल, बात क्लियर है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, बस आपको ओवरलैप समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन कहां कहां होगा, काफी इजी है। नाउ अब हम चलते हैं इससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल का एग्जांपल समझते हैं बच्चों, थोड़ा सा कोशिश करो आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है, फिर मैं इसका रिलेटिवली स्टडी भी आपको बताऊंगा एक एक करके, थोड़ा सा ध्यान से समझो, काफी इजी कंसेप्ट है, अगर एक दो बार अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इसका एक और एग्जांपल थोड़ा सा पाई बॉन्ड वाला बता देता हूं, जैसे मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अब वैसा ही कंसेप्ट लगाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइलीन, इथाइलीन, थोड़ा सा नाम को थोड़ा सा ध्यान रखना, एसिटिलीन और ये इथाइलीन। अब बात को ध्यान से समझना बच्चों कि यहां पर भी आपके कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, सिमिलरली चलो देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन, बात क्लियर है। अब कार्बन वन की बात कर रहा हूं, तो कार्बन वन का ग्राउंड स्टेट GS मतलब ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p2। अब देखो यहां पर मुझे, आप खुद समझ सकते हो, यहां पर मुझे कितने बॉन्ड चाहिए, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो एक कार्बन के साथ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए 3, लेकिन यहां कितने प्रेजेंट है 2, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1s2 2s1 2p3। अब यहां से ये उठ के यहां चला जाएगा, अब एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट करने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब देखो ये वाला एक तो हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ आपका ओवरलैप करेगा। अब सबसे पहले तो इन सब का क्या होगा बच्चों, सबसे पहले इन सब का आपका देखो यहां पर ये हो गया, अब यहां पर कितने, 1 2 3, तो 3 ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट करेंगे, और ये आपके क्या करेंगे, हाइब्रिड होंगे, ये आपका कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा। जब ये आपका हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा तो आप लोग समझ सकते हो कि यहां पर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल ये आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, तो क्या बना देंगे, 3sp2 ऑर्बिटल, क्या बना देंगे, 3sp2 ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, सेम होगी। मतलब सिंपल मैं बोल सकता हूं कि यहां पर एक और तरीके से मैं इसको समझा सकता हूं कि एक s और 2p ऑर्बिटल और एक p जो आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको छोड़ दिया, ठीक है, इट डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, सो दैट्स वाई उसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर तीनों मिलके एक सिमिलर एनर्जी का ऑर्बिटल बना देंगे, अब ये होंगे आपके sp2 ऑर्बिटल, ठीक है, sp2 ये हो जाएगा आपका s ऑर्बिटल, ये आपका p ऑर्बिटल, ये आपका p ऑर्बिटल, बात क्लियर है। इस तरीके से एनर्जी वाले ऑर्बिटल बना देंगे। अब बात को ध्यान से समझना, एक के साथ तो आपका कार्बन चला जाएगा,
एक के साथ आपका हाइड्रोजन, एक के साथ आपका हाइड्रोजन, बात क्लियर है। लेकिन यहां पर जो एक ऑर्बिटल बचेगा ये आपका प्योर पी ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? प्योर पी ऑर्बिटल, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये आपका प्योर पी ऑर्बिटल होगा। अब देखो ये आपका सी वन का बना दिया, इसी तरीके से सी टू में एक आपका सी वन जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, एक कार्बन, ठीक है। तो C2 का लिए मुझे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, C2 का सीधा एक्साइटेड स्टेट में बनाता हूं। देखो 1s2, 2s1, 2p3। अब देखो ये सारे आपके हाइब्रिडाइजेशन में, इसमें भी आपके दो पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें भी आपके पार्टिसिपेट कर जाएंगे, ठीक है। ये वाले आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया प्योर पी ऑर्बिटल। प्योर पी ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो यहां पर sp2, ये भी sp2, 2sp2, 2 लिखो या ना लिखो चलेगा, यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2, बात क्लियर है। अब देखो sp2 ऑर्बिटल हो गए तीन, एक आपका कहां जाएगा? एक आपका c1 के लिए, यहां पर एक आपका c2 के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए, यहां पर एक आपका c1 के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो कार्बन का देखो, अब ये sp2 c1 का sp2 c2 से ओवरलैप करेगा, लेकिन c2 के किससे? sp2 से, दोनों का एक बार आपका sp2 ओवरलैप करने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं sp2 और ऑर्बिटल बनाऊंगा तो sp2 ऑर्बिटल का मैंने ओरिएंटेशन आपको बताया था, अभी बताया था, और ओरिएंटेशन तो आप लोग समझ सकते हो, ये इस तरीके से, यहां पर भी ये आपका इस तरीके से ओरिएंटेड होगा, ठीक है, ये इस तरीके से आपका ओरिएंटेड होगा, बात क्लियर है, ये बना दिया, ठीक है। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, देखो अब यहां पर क्या हुआ, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का sp2, इस कार्बन का sp2 आपस में ओवरलैप हुआ और सिग्मा बॉन्ड बनाया, बात क्लियर है। अब देखो यहां पर आपका एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन, देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, तो यहां पर एस ऑर्बिटल के साथ आपका कट जाएगा। तीन थे ना इलेक्ट्रॉन, यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन है, देखो इस तरीके से, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर, इसका एक इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से, यहां पर भी देखो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, तो यहां पर भी आपका सिग्मा बॉन्ड, यहां पर भी आपका कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, यहां पर भी आपका सिग्मा बॉन्ड, यहां पर भी आपका सिग्मा बॉन्ड। तो आप एक चीज कॉमन समझ रहे होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की ओवरलैपिंग की वजह से जो भी बॉन्ड बनेंगे वो आपके क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड, बात क्लियर है। अब बात को ध्यान से समझो कि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी कार्बन में एक प्योर पी ऑर्बिटल बचे है ना दोनों में, तो दोनों में एक प्योर पी ऑर्बिटल बचे होंगे। अब देखो ये प्योर पी ऑर्बिटल मैं बना देता हूं, देखो इसमें आपका एक प्योर पी ऑर्बिटल बचा होगा, देखो ये मैंने बना दिया प्योर पी ऑर्बिटल, यहां पर भी एक प्योर पी ऑर्बिटल, और दोनों के प्योर पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के प्योर पी ऑर्बिटल में होंगे, देखो ये वाले में और यहां पर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे। देखो ये किस तरीके का ओवरलैप हो रहा है, साइड वे ओवरलैपिंग। अब ये अगर साइड वे ओवरलैपिंग हो रहा है तो यहां पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक सिग्मा बॉन्ड, 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 तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बताएगा, एक सिग्मा बॉन्ड, एक यहां पर सिग्मा बॉन्ड, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड, और ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड, तो आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इस स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, ठीक है। अब आपसे एंगल पूछेगा तो एंगल बता सकते हो 120 डिग्री, एंगल बता सकते हो, यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल आप बता सकते हो इजीली, देखो हाइब्रिड और ऑर्बिटल के बीच का एंगल 120 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल अगर आपसे पूछ ले तो आप लोग बता सकते हो सिंपल, इसका भी एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो इस तरीके से आप एंगल के भी बारे में बता सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल का एंगल कितना होगा, ठीक है। काफी इजी कंसेप्ट है, आप एक दो बार कोशिश करो, दो से तीन बार आप इन्हें एक एक बार पढ़ पढ़ के कोशिश करके स्ट्रक्चर बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं आए तो आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हो बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है। फिर मैं आपको आगे इससे रिलेटेड कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन अभी केवल और केवल आपको इन सब पे कमांड करना है, ठीक है। इन सब पे आपको अच्छे से कमांड कर लेना है, ठीक है। अभी देखो
एसपी टू का और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन का मैं आपको और भी एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने बात किया यहां पर, यहां पर मैं बात कर लेता हूं SO2, नहीं नहीं यहां पर मैं SO2 का तो मैं आपको निकालना ही बता दूंगा बच्चों। देखो यहां पर मैं बात करता हूं कि AlCl3, अब देखो AlCl3 एल्यूमिनियम, ठीक है, AlCl3 में मैं आपको बताता हूं किस तरीके से बनाएंगे स्ट्रक्चर, समझते हैं। देखो AlCl3, AlCl3 में या फिर आप लोग किस में बनाना चाहते हो, देखो यहां पर मैं बनाता हूं एग्जाम्पल AlCl3। अब देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का आपका क्या होगा ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में मैंने लिया 1s2 2s2 2p1। अब देखो यहां पर कितने क्लोरीन है, तीन क्लोरीन है, और क्लोरीन का लास्ट अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहां होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट पी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वो बात खत्म हो गई। अब देखो यहां पर ग्राउंड स्टेट में मैंने इस तरीके से बना दिया, आप लोगों को यहां तक क्लियरली समझ सकते हो बच्चों, ठीक है। अब यहां पर कितने क्लोरीन है, तीन क्लोरीन है, मुझे तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहले तो तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन में बनाता हूं। देखो एल्यूमिनियम इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में मैंने 1s2 2s1 और 2p2, ठीक है, ये मैंने बना दिया एक्साइटेड स्टेट में तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बात क्लियर है बच्चों, तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा, कौन कौन से ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइज होंगे, मुझे नहीं पता है कि यहां पर तीन क्लोरीन है तो तीन ही ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइज होंगे, तीन क्लोरीन है मुझे तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वही अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके हाइब्रिडाइज होंगे जो आपके जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो तीन ऑर्बिटल की आपको रिक्वायरमेंट होगी AlCl3 बनाने के लिए, तो यहां पर आपके क्या होंगे, ये तीनों हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिडाइज होके क्या बनाएंगे, अभी तो देखो यहां पर इनके शेप बिफोर हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से था, एनर्जी इस तरीके से था बच्चों, यहां पर ये आपका पी ऑर्बिटल, ये आपका पी ऑर्बिटल, ये आपका एस ऑर्बिटल, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ऑल आर हैविंग अ सिमिलर एनर्जी, ऑल आर हैविंग अ सिमिलर एनर्जी। आप इसको एनर्जी के टर्म में, आप एक एसपी टू ऑर्बिटल का एनर्जी आपको निकालना है, sp2 अगर ऑर्बिटल का आपको एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल p, कितने p ऑर्बिटल है, दो p ऑर्बिटल, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल s, ठीक है, 2p 2s, इक्वल टू एनर्जी ऑफ कितने, तीन है, तीनों का सिमिलर है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल 2sp2, दो है ना, दो दो के मिलके बनाए तो आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो इसका मैं अगर एक sp2 ऑर्बिटल की एनर्जी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां पर भी 2 लिख सकते हैं, 2 लिखो या ना लिखो चलेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 psi 2p plus एनर्जी ऑर्बिटल यहां पर 2s/3, तो एक sp2 ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों, इतनी आ जाएगी, बात क्लियर है बच्चों, बात क्लियर है यहां तक आप, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये दोनों हाइब्रिडाइज होंगे, अब आपके ये इन दोनों का ओरिएंटेशन कैसा होगा, sp2 का मैंने आपको बताया है, ये इस तरीके से आपका ओरिएंट होगा, ये आपका इस तरीके से ओरिएंट होगा बच्चों, ठीक है, इसका ओरिएंटेशन इस तरीके से हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखो ये आपका एल्यूमिनियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अब एल्यूमिनियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल और ओरिएंटेड हो गया बच्चों आपका, सिंपल है। अब क्लोरीन, अब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, अब आपका प्योर पी ऑर्बिटल है जो कि आपका वेकेंट है, प्योर पी ऑर्बिटल आप बोल सकते हो, प्योर पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, देखो प्योर पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, प्योर पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या है बच्चों, वेकेंट है, इसमें भी बोल सकते हो, हर जगह बोल सकते हो ये वेकेंट ऑर्बिटल, इससे पहले वाले एग्जांपल में भी आप बोल सकते हो प्योर पी ऑर्बिटल है वो वेकेंट है, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है, या इसको हम बोलेंगे वेकेंट ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, वेकेंट ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल, अभी इसका तो कोई रोल ही नहीं है, अब खत्म हो गया है, ठीक है, ये या ना तो सिग्मा बॉन्ड में रोल है ना इसका पाई बॉन्ड में, जब तक इलेक्ट्रॉन होगा तब आपका सिग्मा या पाई बॉन्ड में इसका रोल होगा। अब देखो सीएल के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां पर है, पीएल में, पी ऑर्बिटल में, तो यहां पर पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा क्लोरीन के, यहां पर भी पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा क्लोरीन के,
और यहां पर भी पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा क्लोरीन के। तो देखो यहां पर एक आपका सिग्मा बॉन्ड बना, यहां पर एक आपका सिग्मा बॉन्ड बना, यहां पर एक आपका सिग्मा बॉन्ड बना। तो इस तरीके से हमने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को समझा है। अब देखो क्या है, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में बनाना चाहूं तो सिंप्लीफाई करके तो AL एक CL इधर, एक CL इधर, एक CL इधर। अब इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री में बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड और बैटल के बीच का एंगल भी कितना है 120 डिग्री। तो इस तरीके से मैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को समझ सकता हूं। अभी वेकेंट ऑर्बिटल बनाना सीख लो, स्टार्ट से वेकेंट ऑर्बिटल बनाना सीखो। अब मैंने आपको धीरे 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 करके एक एक चीज बात बता रहा हूं। तो इसमें वेकेंट ऑर्बिटल बनाना सीखो, वेकेंट ऑर्बिटल अगर आपने बनाना सीख लिया तो मैं आपको आगे बहुत सारे फंडे बताऊंगा। यहां तक आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब मैं आपको बताता हूं इन हाइब्रिडाइजेशन sp3 के बाद बताता हूं कि क्या दिक्कत है, ठीक है। जैसे आपका डी और ऑर्बिटल का आएगा तभी मैं आपको बता दूंगा। पहले इसको ध्यान से एक दो बार बनाने की कोशिश करो, एक दो बार बनाने की कोशिश करो, कितने कितने आपके ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अब आपके तीन sp2 है तो sp2 का शेप आपका ऐसा हो जाएगा। ये सब अगर आप तीन चार बार करोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। अब आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा, एक दो बार आप अगर करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग अगर एक दो बार कोशिश करो, नहीं आए मुझसे मुझसे 10 बार पूछो, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में इसका रोल आपको खत्म हो जाएगा, कुछ दिन बाद आप इसको फटाफट बता दोगे कि इसमें sp3 है, इसमें sp2 है, आपको उतना नहीं होगा। अभी शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगा, कुछ दिनों बाद आपको ये इजी लगने लग जाएगा। आई होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। सो बच्चों थैंक यू सो मच।